तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज से हम 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। 15 सेकंड के अंदर आपको वो आंसर हमें कमेंट करना है, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में करवाएंगे विद NCERT के साथ, ताकि आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ ही साथ आपको एक ये आइडिया भी मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस NCERT से कौन सी लाइन से आते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ के उसका आंसर हमें कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इससे आपको एक एनालिसिस मिल जाए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप उस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं टाइम के अनुसार। तो दोस्तों उसके बाद आप उसका आंसर का डिटेल में एनालिसिस भी देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो लिविंग वर्ल्ड से है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्री टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। मतलब पूछ रहा है कि नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन जो है वो नॉमेनक्लेचर के रूल को फॉलो नहीं करता है, वो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन के बाद आपको 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा, तो पहले आप ऑप्शन सुन लीजिए। फर्स्ट है द नेम्स आर रिटन इन लेटिन एंड आर इटेलाइज्ड। सेकेंड ऑप्शन है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन। थर्ड ऑप्शन है बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। और फोर्थ ऑप्शन है द रिटन वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक हैबिटेट। तो आपको टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन क्लास 11th की बुक NCERT के चैप्टर 1 और पेज नंबर 7 से पूछा गया है। इसमें देखिए आपको चार जो है नॉमेनक्लेचर के रूल दिखे हैं, और इन्हीं से ये क्वेश्चन आया है। तो पहला रूल कहता है कि बायोलॉजिकल नेम जो है लेटिन में होता है लेकिन हम इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल कहता है जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, और दूसरा जो वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। दोस्तों तीसरा रूल कहता है कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो हाथ से लिखा जाता है, ठीक है। अगर उसको हम हाथ से लिखेंगे तो उसको हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। चौथा रूल कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो डिनोट करता है जीनस को, जो कि कैपिटल लेटर में होता है, और बाकी सारे स्मॉल लेटर में, जैसे फर्स्ट वर्ड एम जो है कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल लेटर में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लेटिन में होते हैं और लिखते इटैलिक्स में, बिल्कुल सही है क्योंकि ये फर्स्ट रूल हमें कहता है। सेकेंड ऑप्शन हमें कह रहा है कि जो जब हम इसको लिखते हैं तो हमें अंडरलाइन करना पड़ता है, बिल्कुल ये जो है हमें थर्ड रूल बोलता है कि हम जब लिखते हैं तो इसको हमें अंडरलाइन करके रखना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ रूल पे, थर्ड ऑप्शन पे। इसमें बोला है बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। हम बायोलॉजिकल नेम को किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि जो बायोलॉजिकल नेम है जनरली लेटिन में होते हैं लेकिन रिटन हम लिखते हैं इटैलिक्स में, और इसमें थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकंड करता है स्पेसिफिक एपिटेट को, तो इसका आंसर सी जो है वो गलत दिया हुआ है। इसके लिए अगर आपको रूल याद करना है तो आप यहाँ से रूल याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है वो 2016 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। बोला गया है कि जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते थे ऑर्गेनिज्म, वो उनमें से कोई एक ऑर्गेनिज्म जो था वो बायोगैस को प्रोड्यूस करता था, वो उसका नाम बताइए, वो कौन से कैटेगरी में आता है। तो वो मिथेनोजेंस होते थे, या फिर यू बैक्टीरिया होते थे, या फिर हेलोफाइल्स होते थे, या थर्मो एसिडोफाइल्स होते थे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ये सीरीज करने का मकसद यही है कि आप जो है नीट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को समझें और आप टाइम को यूटिलाइज करें। जितना टाइम आपको दिया उस टाइम में आप आंसर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी एक रिदम बन सके नीट के एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन क्लास 11th पेज नंबर 19 चैप्टर 2 से आया था, आर के बैक्टीरिया के सेशन से सेम क्वेश्चन उठा लिया। अगर आप देखोगे
इसमें सेम वही क्वेश्चन उठाए हैं कि मिथेनोजेंस वो होते हैं जो एनिमल के रूमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउस और बफेलो के, और ये प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से उठाया जाता है नीट के एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मिथेनोजेंस। एक चीज आप इसमें और ध्यान रखिएगा कि अगली बार आपसे ये पूछ सकता है कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं आर्के बैक्टीरिया, या हमें एग्जाम्पल दे सकता है कौन होते हैं, मिथेनोजन। तो आप दोनों को याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आपको टेस्ट की प्रैक्टिस हो सके, और आप अपने ऐसे ही आंसर आप हमें कमेंट करते जाइए और ऐसी अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछ रहा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ फंजाई, ज़्यादातर फंजाई की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है सेलुलोस, ऑप्शन बी दे रखा है हेमीसेलुलोस, ऑप्शन सी काइटिन, या ऑप्शन डी पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। दोस्तों ये चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है, और इसको मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराए हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकता है और देख सकता है मेरे लेक्चर को। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर है वो सी है काइटिन। मैं आपको बता देता हूँ इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है। नंबर 3 आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन ए हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, यू बैक्टीरिया को हम फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं, या ऑप्शन सेकंड फाइकोमाइसिटिस को हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, या ऑप्शन 3 साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, या ऑप्शन डी गोल्डन एल्गी को हम डेसमिट्स बोलते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, इसको आपको बताना है। आपका आपका टाइम शुरू होता है अब। सबसे पहले हम बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फाइकोमाइसिटिस। फाइको का मतलब होता है एल्गी, और माइसिटिस का मतलब होता है फंजाई। तो फाइकोमाइसिटिस को हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, बिल्कुल फाइको का मतलब ही एल्गी होता है। और स्टडी ऑफ फंजाई को हम बोलते हैं क्या, माइकोलॉजी। पूरी फंजाई की सीरीज की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बी ऑप्शन सही है, हमें गलत बताना है सी ऑप्शन पे। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी को हम डेसमिट्स भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ये देखिए गोल्डन एल्गी को हम डेसमिट्स भी बोलते हैं, और ये देखिए साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो यानी ये तीन ऑप्शन सही है। बात करते हैं यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ना कि हम फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यू बैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया में आता है, तो ऑप्शन ए गलत है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, एक आपको आइडिया मिल रहा होगा। तो आप ऐसे ही आंसर कमेंट करते जाइए हमें, और अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करते रहिए वीडियो देख के। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइट्स। ये क्वेश्चन 2016 का है, वायराइट के लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि वायराइट जो है ये काउज करते हैं इन्फेक्शन। सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है हमें देयर आरएनए ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऑप्शन सी हमें बोला है कि दे ले का प्रोटीन कोट, या ऑप्शन डी हमें बोल रहा है कि दे आर स्मॉलर देन वायरस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें गलत है ये बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जो इसका ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे बी स्टेटमेंट हमें रॉन्ग दी हुई है, क्योंकि वायरस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू वायरस। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको देखना है, तो ये पेज नंबर 27 एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन एज इट इज पेज नंबर 27 एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। देखो वायराइट्स एक इन्फेक्शन एजेंट होता है, इसका साइज स्मॉलर होता है वायरस से, और इसके पास प्रोटीन कोट भी नहीं होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके जो आरएनए का जो वायराइट का साइज है मॉलिक्यूलर वेट वो कम होता है, ना कि ज़्यादा होता है। और हमें बोला है कि आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वायराइट का वो हाई होता है, तो ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछ रहा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ फंजाई, ज़्यादातर फंजाई की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है सेलुलोस, ऑप्शन बी दे रखा है हेमीसेलुलोस, ऑप्शन सी काइटिन, या ऑप्शन डी पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। दोस्तों ये चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है, और इसको मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराए हैं। दोस्तों इस चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकता है और देख सकता है मेरे लेक्चर को।
चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जो करेक्ट आंसर है वो सी है, काइटिन। मैं आपको बता देता हूँ इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसका आंसर पेज नंबर 22 पे मिल जाएगा क्लास 11th की बुक में। मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था चैप्टर, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड जो है फंजाई के मेजर वॉल के कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक स्पेशली बताया था कि काइटिन जो है स्पेशली मेजर ऑफ फंजाई में पाया जाता है एज अ सेल वॉल। तो मैंने आपको बोला था अगर ये केस जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको बोला था अगर सिंगल ऑप्शन दिए तो काइटिन लगाना, अगर दो ऑप्शन दिया हो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड तो दोनों ऑप्शन सही होगा, तो आप इसमें काइटिन लगाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो सेपरेटली मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप चाहे मेरी वीडियो के साथ प्लेलिस्ट के लिंक में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर पेज नंबर 22 पे मिल जाएगा क्लास 11th की बुक में। मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था चैप्टर, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड जो है फंजाई के मेजर वॉल के कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक स्पेशली बताया था कि काइटिन जो है स्पेशली मेजर ऑफ फंजाई में पाया जाता है एज अ सेल वॉल। तो मैंने आपको बोला था अगर ये केस जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको बोला था अगर सिंगल ऑप्शन दिए तो काइटिन लगाना, अगर दो ऑप्शन दिया हो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड तो दोनों ऑप्शन सही होगा, तो आप इसमें काइटिन लगाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो सेपरेटली मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप चाहे मेरी वीडियो के साथ प्लेलिस्ट के लिंक में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं। तो इस चैप्टर की मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवा रखा है इस चैप्टर को, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस चैप्टर को लेक्चर को देखना चाहें तो देख के समझ सकते हैं, या फिर मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में है, मैंने पार्ट वाइज सबको डिवाइड कर रखा है, आप वहाँ से इन चैप्टर को देख के मैं आपको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ रहा है क्राइजोफाइट, इग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम माउथ्स जो है वो कौन से किंगडम में आते हैं, ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी एनिमेलिया, ऑप्शन सी मोनेरा या ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। तो इसका आपको, आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों जिसने मेरी ये वीडियो के लेक्चर देखे होंगे वो बहुत सेकंड्स में इसका आंसर दे देगा, क्योंकि मैंने इन सब क्वेश्चंस को ट्रिक के बेसिस पे करवाया हुआ है, आप मेरी वीडियो में जाके देख भी सकते हैं और मैं इसका आपको आंसर भी ट्रिक के बेसिस पे बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटिस्टा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि प्रोटिस्टा में जो कैटेगरी आती है वो होती है चलो देखे इसको सबसे पहले, तो सी फॉर क्राइजोफाइट्स आते हैं, फिर डी फॉर होता है डायनोफ्लैजेलेट, ई फॉर इग्लिनॉइड्स आते हैं, एस फॉर स्लाइम माउथ्स आते हैं और पी फॉर होता है क्या, ये कैटेगरी आती है। तो इसमें बोल रहा है कि ये सारे कैटेगरी कौन से किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा, तो आंसर क्या जाएगा डी, तो ऑप्शन डी सही है। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाई बर्ड्स एंड एनिमल, कौन सा ऐसा गुण है जो बर्ड्स और एनिमल दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है विविपैरिटी, दूसरा ऑप्शन है कि वार्म ब्लड नेचर दोनों शेयर नहीं करते हैं, या तीसरा ऑप्शन है ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, या डी ऑप्शन है ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर अब हम आपको बता देते हैं। आपको पता होगा जो मैमल्स होते हैं वो बच्चे देते हैं, मैमल्स जो है बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बेबी पैरस होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती है वो ओवी पैरस होती है, एग प्रोड्यूस करती है, जो एग प्रोड्यूस करती है उसको ओवी पैरस बोलते हैं। तो यानी पहला ऑप्शन जो है वही कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों शेयर नहीं करते हैं, बर्ड्स और एनिमल दोनों एक दूसरे से विविपैरिटी का कैरेक्टर शेयर नहीं करते हैं, तो इसका आंसर ए जो है वो सही है। अब जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा है इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमिट रिक्वायर, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर जो मेल गैमिट का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए क्या मीडियम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब किस मीडियम से वो पास करता है। तो पहला ऑप्शन है बर्ड जो है इनके गैमिट ट्रांसफर करती है,
दूसरा ऑप्शन है वाटर ट्रांसफर करता है, ऑप्शन सी विंड ट्रांसफर करता है, या ऑप्शन डी इंसेक्ट ट्रांसफर करता है। आपका टाइम शुरू होता है। अब दोस्तों इन सब जो चैप्टर है इसका मैंने पहले ही टॉपिक में ये सारा फंडा आपको क्लियर कर दिया है ट्रिक के साथ। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे प्लांट किंगडम की तो आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत सेकंड्स में मिल जाएगा। तो मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आंसर पे आ जाते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी है। वाटर जो है एक ऐसा मीडियम है जिससे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के गैमेट जो है ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि इन दोनों के गैमेट जो है फ्लैजलेट होते हैं और ये पानी के अंदर तैर के जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो 2016 फेज टू में रिपीट क्वेश्चन हुआ है। पूछ रहा है मीथेनोजेंस बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए ईयू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी आरके बैक्टीरिया, ऑप्शन सी डाइनोफ्लैजलेट, या ऑप्शन डी स्लाइम मोल्ड्स। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। मीथेनोजेंस जो है आरके बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में और अभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं वीडियो के। जो क्वेश्चन है वो 2016 के एग्जाम में आया हुआ है फेज टू में। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। देखो मैंने फंजाई के बारे में अभी आपको करवाया था, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए मैं दोबारा फोकस कर रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन है कि कौन सी चीज़ हमें बोल रहा है कि गलत है फंजाई के कैरेक्टर के बारे में। पहला बोल रहा है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा बोल रहा है कि ऑल फंजाई जो है सेलुलोज की सेल वॉल प्रोसेस करते हैं। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ये हेटरोटॉपिक होते हैं। चौथा ऑप्शन बता रहा है हमें दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सब कुछ होते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि फंजाई में काइटिन और पॉलीसेक्राइड की सेल वॉल होती है, ना कि सेलुलोज की। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो सेम टाइप के क्वेश्चन कराने का मेन पर्पस यही था कि एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, आप मुझे कमेंट में आंसर बताते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट पाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आप वो गलतियां नहीं कर पाएंगे जो आप एग्ज़ाम सेंटर में जल्दबाजी में करते हैं। तो आप मुझे आंसर कमेंट करते रहिए, ऐसे हम 10 क्वेश्चन पर डे करते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा तो हम इस क्वेश्चंस को और बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बीच करवाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए, जो समझ में नहीं आएगा उसको आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन नए लेके। तो तब तक के लिए जय हिंद। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका एडवांटेज उठा सके, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उसका एडवांटेज उठा सके और आप लोग इससे प्रिपेयर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक नए 10 क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय।